निम्रा, अरे निम्रा जरा मेरे मोबाइल को तो देख, तनी किसकी मिस कॉल आई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निम्रा, लड़की के काम में तो जूं तक नहीं रहती। अरे इस उम्र में भी ये लोग मुझे चलाते हैं, ऐसे घुटनों में दर्द हो रहा है। क्या हो गया दादी? कब से गला फाड़ फाड़ के आवाजें दे रही हूँ और तू है कि बस गाने सुने जा रही है। प्लीज दादी, म्यूजिक लवर। बाय द वे क्यों गले फाड़ रही थी आप, क्या काम था आपको? ये देख इसमें कुछ हो गया है मोबाइल में। तो अम्मी को कह देती ना, आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? तेरी अम्मा तो बाजार गई हुई सौदा लेने के लिए, बाप ऑफिस में बैठा हुआ है। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ, और ऊपर से तू कहती है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब नहीं दादी, डिस्टर्ब होता है। मैं तेरी दादी हूँ, तू मेरी दादी नहीं है। इधर दिखाए। और दी, आपने भी तो 1960 का मोबाइल रखा हुआ है ना। स्मार्टफोन ले विद्याइजा, खुद ब खुद कॉल भी लग जाया करेगी। हाँ, ताकि तेरी तरह मैं झूमती रहूं गानों पर। हाय हाय, हमारा भी वक्त था, सिर्फ रेडियो हुआ करता था और बिना गानों के टेलीफोन। रेडियो पर गाने तो आते ही नहीं थे, है ना? अच्छा अब ज्यादा बकवास नहीं कर, मुझे बता कि किसका फोन आया। कंपनी वालों की कॉल आई, कहीं तो लगा दूँ कॉल, अच्छा टाइम पास हो जाएगा आपका। इससे तो बहस करना ही बेकार है, छोड़। देखिए, कोई भी शख्स जब कोई म्यूजिक प्ले करता है या गाना गाता है तो उसके नतीजे में एक पॉजिटिव एंड हैप्पी फील हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब उसके नतीजे में हर दफ़ा जब ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो शख्स अच्छा फील करेगा। तो इससे होता ये है कि उस शख्स का इंटरेस्ट टूवर्ड दैट एक्टिविटी बढ़ता रहता है, वो एक तरीके से उसका पैशन बन जाता है, जुनून बन जाता है। और फिर अगर वो शख्स उसको सही तरीके से लेके चले और उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए तो वो अच्छे कैरियर के तौर पे उसको वो अपना सकता है। तुम लोगों ने बिला वजह सर चढ़ा रखा है लड़की को, अरे कोई ध्यान ही नहीं देता है उस पर। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, निम्रा तो अभी बच्ची है। अरे कोई बच्ची बच्ची नहीं है, जब मैं उसकी उम्र की थी ना तो मेरे हाथ पीले हो गए थे और साल भर में तू मेरी गोद में आ गया था। लेकिन अम्मी अभी तो उसने एग्जाम दिए हैं, कुछ दिन में उसका रिजल्ट आने वाला है। बहू तुम तो बस रहने दो, सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अरे औलाद की जिम्मेदारी बाप की नहीं माँ की होती है, और खास तौर पर अगर लड़की हो। तुम तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकी तो उसकी क्या उठाओगी, क्या मजाल के वो लड़की। अम्मी अम्मी पापा, ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने टॉप किया है। अरे तो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा मुझे, सिवाय इस बुरे टेलीफोन के जो तेरे साथ चुपका रहता है हर वक्त। दादी दादी, इस मोबाइल में ना पूरे जहान की खबरें मिलती है इंटरनेट के जरिए, आपको क्या पता ये सब कुछ। अरे मुझे नहीं आते ये चौंचले। मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक। बेटा आज तो तूने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया है, मैं बस अभी मिठाई लेकर आता हूँ। मुझे सिर्फ मिठाई नहीं चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए। बताओ बेटा क्या गिफ्ट चाहिए मेरी बेटी को? गिटार। क्या आज मेरा गिफ्ट नहीं लाए ना? सॉरी बेटा, मैं आज फिर भूल गया। फिर ठीक है, मैं आपसे नाराज हूँ और आपसे बात भी नहीं करूंगी। चलो भाई, निम्रा तो हो गई नाराज, तो ऐसा करते हैं ये गिटार वापस करते हैं। ये ठीक रहेगा, चलो भाई वापस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। थैंक यू बाबा। बेटा बाबा तो ये आपके रिजल्ट के दूसरे दिन ही ले आते, लेकिन कुछ अमाउंट कम पड़ा था तो बस सैलरी का वेट कर रहे थे। बेटा नया तो बहुत महंगा था, ये थोड़ा यूज है लेकिन कंडीशन पे बहुत बेहतर है। बाबा ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, मैं कैसे पूरी ना करता। उड़ा दी अपनी सारी तनख्वाह बेकार सी चीज पर,
अरे अभी भी वक्त है, कह रही हूँ रोक लो इस लड़की को वरना ये हाथ से निकल जाएगी। निम्रा बेटा, दादी की बातों का बुरा ना मानना, तो चाहे तुम्हें कुछ भी बोले लेकिन प्यार बहुत करती है तुमसे वो, ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी। बेटा बाबा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो, लेकिन उसकी फीस अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू नो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है, हमारी एरिया में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं और फीस भी बहुत रीजनेबल है। गुड, तो ठीक है बेटा, तुम मुझे डिटेल दे देना, मैं खुद जाऊंगा वहाँ और जाके तुम्हारे लिए बात कर लूंगा उनसे। ठीक है बाबा, है ना, ठीक है रहेगा। हैप्पी बहुत। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, यानी बच्चे तो कुछ भी मांगेंगे लेकिन ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें कि जो भी चीज़ मांग रहे हैं, जिस चीज़ की ख्वाहिश है, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। उस चीज़ को करने के बाद जब बच्चा उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, उस पे पीक पे पहुंचता है, तो वो एंड रिज़ल्ट क्या होगा, कहाँ तक ये चीज़ उसको लेके जाएगी। तो बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ बच्चों को ये देखते हैं कि मेरे बच्चे की ये ख्वाहिश है और उसको ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अच्छा बुरा जो भी चीज़ होती है वो कर गुजरते हैं, एंड रिज़ल्ट नहीं देखते, और फिर एंड रिज़ल्ट की वजह से बाद में वो सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक्ड रह जाते हैं। जल्दी करो बस, आज तो देर हो गई अच्छी खासी जी, है ना। तो ये अपनी बुक्स लो जी। थैंक यू बाबा। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, क्या शाम को ऑफिस जाने में मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो तुम बाबा घर करीब ही तो है, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। चलो बिल्कुल फिक्र मत करना। चलो ठीक है, लेकिन कहना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन अपनी पढ़ाई बहुत दिल लगा कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि म्यूजिक तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। आपको अपनी निम्रा पर तो भरोसा है ना। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। तो बस फिर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऑफिस जाए। ठीक है। अच्छा बस अब तुम जाओ, तुम्हारी क्लास के लिए देर हो रही है तुम्हें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान की एक जो बिल्ट इन नेचर है वो ये कुछ इस तरह की है कि जब वो कुछ अचीव करता है तो अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करता है। और वो हैप्पी क्यों फील करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं डोपामिन। तो बेसिकली ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से ये केमिकल रिलीज होता है और इंसान को अच्छा फील करवाता है। अब म्यूज़िक में भी कुछ इस तरह से होता है कि जब म्यूज़िक चलता है तो जब तक उसकी वो बीट्स कम्प्लीट नहीं होती हैं, वो धुन उसकी वो ताल कंप्लीट नहीं होती है, तो वो शख्स जो है वो उसको सुनता रहता है। जब वो कंप्लीट होती है तो उसका माइंड उसको वो केमिकल रिलीज़ करवाता है जिसकी वजह से वो अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तो हर दफ़ा जब वो म्यूज़िक सुनता है वो ऐसा ही अच्छा फील करता है। अब वो कोई फिज़िकल एफर्ट्स नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई ऐसी बाहर दुनिया में निकल के कारनामे अंजाम नहीं दे रहा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उसको वही सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यही वजह है कि फिर म्यूज़िक जो है वो एडिक्शन की हद तक पहुंच जाता है और लोग जो हैं फिर कहा जाता है कि भाई ये म्यूज़िक लवर है। निम्रा भाभी आ गई हैं जी, आपको मेरे सामने कमरे में बुलाया। सर
सर आपने मुझे बुलाया था जी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। भाई मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस लड़की ने पूरे समय टॉप किया है वो मेरे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। थैंक यू सर। और सोने पर सुहागा ये कि माशाल्लाह से आपका म्यूजिक सेंस भी बहुत अच्छा है। आपके टीचर ने बताया आपने कहीं म्यूजिक क्लासेस वगैरह ली? नहीं सर, एक्चुअली मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है। मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया है टॉप करने का, बस इसी पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। सो नाइस, मुझे बहुत शौक था। हमारे जमाने में वो हारमोनियम बैंजो वगैरह होता था ना, बहुत शौक था, मगर मेहनत बहुत लगती है इसलिए कामयाब नहीं हो सका। बेटा मैं चाहता हूँ कि हमारे इदारे का एक म्यूजिक ग्रुप है जो कॉम्पिटिशन हिस्सा लेता है और विन भी करता है, उसमें आप एज ए गिटारिस्ट ज्वाइन कर लें। सर मैं, लेकिन सर आप, आज तो मेरे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, इतनी जल्दी? दरअसल उस ग्रुप में गिटारिस्ट है वो अपने वालदेन के साथ अब्रॉड चली गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस जगह को आप ही करें, आप ज्वाइन कर लें। सर बैंड ज्वाइन कर लेना, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अरे बेटा आप बेफिक्र रहें, हम कुछ सेशन करवाएंगे इंशाल्लाह, उसमें तैयारी करवा देंगे और मुझे यकीन है जो रिपोर्ट मिली आप बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, पिक कर जाएंगी और आपको फेवर भी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, सर आई एम शॉक्ड, लिटरली आई कांट बिलीव इट, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच सर। अरे भाई मैं तो खुद को देख रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक था, मुझे अच्छा लगेगा आपको आगे बढ़ते हुए देखना, और बच्चों को देखते ना परफॉर्म करते हुए, मुझे अपनी जवानी याद आती है। निंद्रा को नहीं लेकर आया? वो तो खुद आने वाली थी, क्या आई नहीं अभी तक? नहीं, और उसका ना फोन भी बंद जा रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं तो ये बात तुम मुझे कॉल करके पहले बता देती, मैं ऑफिस से आते हुए उसकी कॉल ही होता आता। मैंने पहले ही समझाया था कि इतना सर ना चढ़ाओ, मगर मुझ बूढ़ी और लाचार मार की सुनता ही कौन है। अम्मा अम्मा प्लीज। अच्छा आप जाएं यूनिवर्सिटी जाके पता करें। ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं अभी देख कर आता हूँ उसको। अस्सलाम वालेकुम। ना निंद्रा बेटा तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। सॉरी बाबा, वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी है ना वो खत्म हो गई, और यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक सेशन था तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लग गया। निम्रा देखो अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मैं जो ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाना बंद, मैं तुम्हें अभी घर में दाखिल हुई हूँ मैं, और अब सब शुरू हो गए। इतना अच्छा मूड था मेरा, सोचा था गुड न्यूज दूंगी, सारा मूड स्पॉइल कर दिया आप लोगों ने मेरा। गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज? आज मुझे प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया, पता है क्या कहा? कि मैं यूनिवर्सिटी का म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर लूं, और पता है अगर बैंड में सिलेक्शन हो गई ना तो मेरी फीस हाफ हो जाएगी। और सुन तो ले, और यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट में मुझे पे भी किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सच में ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है अम्मी, आप लोग बस ले देकर खामखा मुझे डांटने लग गए। सॉरी बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए हम कितना परेशान हो जाते हैं। अब तो खुश है ना? अब तो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश है। बिल्कुल, बहुत थक गई हूँ भाई, मुझे तो आप अच्छा सा खाना खिला दें। अगर ये सब चलता रहा तो मेरा तो रौब और दबदबा इस घर में सब खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो नंबर कहाँ है साजदा का? हाँ मिल गया, मिल गया।
हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो साजदा? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आप सुनाएं बिल्किस खाला कैसी हैं? अरे तुम तो अपनी खाला को भूल ही गई हो, ना कभी सलाम ना दुआ। बस रहने दें खाला, आप खुद ही नहीं याद करती हमें। अरे बस क्या बताऊं, घर में मसरूफियात ही इतनी है कि वक्त ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, आपकी बहू सारे घर का काम जो आपसे करवाती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सुन मुझे तुमसे ना एक जरूरी काम है। वही तो कहूँ कि मुद्दे की बात अभी तक आपने की नहीं, वरना साजिदा कहाँ याद आएगी आपको। अरे सुन ना, तू खामखा वो हो रही है। ये बता कि कोई अच्छा रिश्ता है तेरी नजर में? अरे खाला इस उम्र में शादी करोगी? आपकी तो पोती भी जवान है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे बेशरम, तुझे ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे मैं अपने लिए नहीं अपनी पोती के लिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो पढ़ रही है ना? अब बहुत पढ़ लिया, अरे दसवीं जमात भी बहुत होती है, ये लड़की तो नाचने गाने लगी है। क्या मतलब खाला? अरे क्या बताऊं, इस लड़की ने तो हमें परेशान कर दिया है। इसका सारा ध्यान नाच गाने की तरफ चला गया है। इसने अपने बाप से कह के एक मुसीकी का आला मंगवा लिया था और वही यूनिवर्सिटी में नाच गाने शुरू हो गए, और अब तो वो शादी ब्याह में भी नाचेगी गाएगी। अरे खानदान की नाक कटवा रही है। ये सारी शय ना इसको इसके बाप ने दी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तो ठीक ही कह रही है आप खाला। तू ऐसा कर, तू मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बता दे। अब खाना रिश्ते पेड़ पर तो लगे नहीं जो तोड़ कर ला दूं। वैसे एक रिश्ता मेरी नजर में है, लड़का कम पढ़ा लिखा है, छठी जमात से अपने बाप की राशन की दुकान पे लग गया, काम अपना है, और वैसे भी जैसे आप चाहती हैं ना वैसे ही है, दब कर रहेगा। चलिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, तू ना उनसे बात कर और रिश्ते वालों को जल्दी से घर भिजवा। ठीक है खाला, मैं उनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। चल ठीक है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अरे सलमा समोसे लीजिए, घर के बने हुए हैं। जी अम्मा, तुम भी लो ना बेटा, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? आपकी पोती नजर नहीं आ रही। जी वो कॉलेज गई है। ताज्जुब की बात है, आज हम उसको देखने आए और वो कॉलेज गई हुई। अरे वो कॉलेज इसलिए गई है कि कल से वो कॉलेज नहीं जाएगी, तो वहाँ बताना जरूरी था, इस वजह से गई है। अरे हमें कौन से उसको ज्यादा पढ़ाना लिखाना है या उसको नौकरी करवानी है, बहुत पढ़ लिया, चूल्हा चक्की ही तो संभालना है जो शादी के बाद हमने भी किया। बस भाई चार किताबें पढ़ ली बहुत है। सही कह रही है दादी, मैं भी वैसे लड़कियों के बहुत पढ़ने के खिलाफ हूँ, बहुत सर चढ़ जाती हूँ। वैसे तुम खुद कितना पढ़े लिखते हो बेटा? बस छठी जमात तक पढ़ा है, तो इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता था, अब्बा की राशन की दुकान पे मैंने इसको बैठा दिया, बहुत अच्छी आमदनी है अब इसकी। अच्छा भाई माशाल्लाह, हमारी बेटी तो राज करेगी राज। वालेकुम अस्सलाम, ले आ गई ने मेरा। आओ बेटा आओ, आओ बैठो, आओ आओ। अरे खड़े क्यों हो, आओ ना। माशाल्लाह जैसा सुना था ना उससे ज्यादा ही खूबसूरत है। ये इसके हाथ में क्या है? अम्मी गिटार। लेकिन कॉलेज में इसका क्या काम? अरे कुछ नहीं, फजूल चीज है, आप बस शादी की तारीख तय करें। किसकी शादी? तुम्हारी शादी और किसकी शादी? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? किसने किया मेरी शादी का फैसला? और ये कोई बेकार की चीज नहीं है, ये ना पैशन है। जाओ बुला कर लाओ इसे। निम्रा, अम्मी ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? और दादी कर क्या रही है? और आप लोग भी शामिल हैं? निम्रा मेरी बात तो सुनो तुम, हमें तो खुद नहीं पता था कि ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ, और जब ये लोग आकर बैठे तो पता चला कि माजरा क्या है। आप लोग नहीं मना कर सकते थे? हाँ, नौटंकी लोग हैं ये।
निम्रा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू दादी के आगे कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोल सकते ना, मैं तो बोल सकती हूँ। दादी होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? धीरे बोलो धीरे, बाहर बैठे हैं वो लोग सुन लेंगे। सुनते तो सुन लेने दे। अम्मी मैं कह रही हूँ आपको, म्यूजिक मेरा पैशन है, अपने पैशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं बता रही हूँ आपको। निम्रा खुदा के लिए निम्रा। अम्मी मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप प्लीज ध्यान से कह दें। तमाशे लगा रखे हैं यहाँ पर। बिल्किस, तुमने क्या हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? लड़की के नखरे तो देखो, जैसे हूर परी है। अरे अभी से गज भर की जबान है तो शादी के बाद क्या होगा? अरे वो कॉलेज से थकी हारी आई है ना, इसलिए। अरे ऐसी पढ़ाई किस काम की जो बड़ों का लिहाज ही ना हो। अब फरहत गई तो है, उसे बुलाने समझा बुझा के ले आएगी। रहने दो बिल्किस, हम तो साजिदा की बातों में आके यहाँ आ गए, वरना मेरे हम्माद के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। चल हम्माद। अम्मी दादी ने कहा है ना कि आ जाएगी निम्रा। अभी भी तुझे बेइज्जती करवानी है, चल। अरे रुको तो सही, चल। सलमा मेरी बात तो सुनो। बहुत इज्जत हो गई हमारी, देख लिया ज्यादा पढ़ाने का नतीजा। कहा था कि लगाम दो इसको, हाथ से निकल जाएगी, लेकिन नहीं सुनी मेरी बात, करवा दी ना पूरे खानदान में बेइज्जती। अब जगह जगह हमारी बदनामी होगी, किस किस को मुंह दिखाऊंगी मैं। तुम एक लड़की को नहीं संभाल सकी, अरे चार किताबें पढ़ाई थी तो उसे तमीज भी सिखाती, खानदान में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आंख उठाकर भी मुझसे बात करता, और आज आज इस लड़की की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। अनीश अपनी बेटी को समझा देना कि ये गाने बजाने का फितूर अपने दिमाग से निकाल दे, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। देखिए जो जनरेशन गैप है इसको पूरा करने की जरूरत है, कि जब हम लोग डिस्कस नहीं करते फैमिलीज में, बड़े लोगों के साथ बैठते नहीं हैं, तो आप उनकी बात नहीं समझते और वो आपकी बात नहीं समझते। इसके नतीजे में ये होता है कि दोनों जनरेशन अपनी अपनी बात करते हैं, यानी जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं कि बच्चे जवान हो गई, बस 16-17-18 साल हो गए, शादी कर दो। आजकल की जो जनरेशन है वो ये समझती है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए, शादी वगैरह की चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। तो अगर हम कम्युनिकेशन के ज़रिए इस गैप को पूरा कर लें तो दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इसी तरह के क्लैशेस होते हैं जैसा कि हम इस स्टोरी में भी देखते हैं। तो होना ही चाहिए कि जो पुराने लोग हैं उनको आज की नई जनरेशन की बात को समझना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अब दादी के जिद्दी फैसले को तुड़वा नहीं सकते। बेटा दादी का तो तुम्हें पता है ना कि जब वो एक बार फैसला कर लेती हैं तो फिर वो अपने फैसले से नहीं हटती। तो आप यहाँ दादी के हिमायत करने आए हैं? ना मेरा बच्चा, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी का भूखा प्यासा रहना नहीं देख सकता, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो बाबा आप दादी को समझाएं ना, वो अब ये बिना वजह की जिद छोड़ दे, वो मेरे और मेरे खाब के बीच में ना आए। बेटा बाबा म्यूजिक सिर्फ मेरा ड्रीम ही नहीं, मेरा पैशन भी है। पापा इसको क्या गलत है? आप खुद को मेरी जगह रखकर तो देखिए प्लीज। बेटा अगर तुम मेरे बारे में कह रही हो तो मैंने अपनी माँ के किसी फैसले का इनकार नहीं किया और ना ही उनके किसी फैसले के खिलाफ गया। आप उनकी जायज नाजायज सियासी की मेरे साथ नहीं कर सकते बाबा, नहीं कर सकते। बाबा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इवन अपनी पूरी सैलरी से मेरी ख्वाहिश पूरी की और गिटार ले आए। मौका आया इसे आपका हाथ बचाऊं, अपने पैरों पे खड़ी होकर। ये गलत है,
अगर ये गलत है ना तो फिर आप जो कहेंगे करने के लिए तैयार हूं। चाहे उसमें मेरी वजह शामिल ना हो अरे साजा मेरी बात तो सुन, तू ना उन रिश्ते वालों से दोबारा बात करके देख। मैंने तो अनीस से कह दिया है कि मैं निम्रा की शादी इसी घर में करूंगी। बस एक बार शादी हो जाए ना फिर। अच्छा हाँ, मैं फोन रखती हूँ, फिर बाद में बात करूंगी। तुम मेरा पैगाम पहुँचा देना उनको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हारी बात मानी या नहीं? और ये भूत उतरा उसके सर से नाच गाने का? अम्मा, मैं आपसे आज यही बात करने आया हूँ। निम्रा जो करना चाहती है मेरी तरफ से पूरी इजाजत है उसे। तो कहीं तो बावला तो नहीं हो गया? ये फजूल कामों से रोकने के बजाय तू उसे बढ़ावे दे रहा है। अम्मा ये फजूल काम नहीं है, ये पैशन है मेरी बेटी का। मैं कुछ नहीं जानती और तुझे पता है कि मेरा फैसला अटल होता है, पत्थर की लकीर होता है, ये तू बात मानता है मेरी? अम्मा मेरी बात और थी, लेकिन मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अच्छा तो तू अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है? अम्मा मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करना मेरा और फरहत का काम है। उसकी माँ है और मेरा ख्याल है कि उसने फरहत की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। सही कह रहा है बेटा, मैं ही गलत हूँ जो इसकी भलाई का सोच रही हूँ। और मेरा वजूद ही क्या है इस घर में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी बेटी की कमाई खाना चाहता हो इसलिए तू बढ़ावे दे रहा है? लेकिन कान खोल के सुन ले, अच्छे खानदान की लड़कियों के लक्षण नहीं होते। अम्मा मैं फजूल बात बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी, और खास तौर से अपनी बेटी के बारे में। अरे मेरा गुरूर है वो, मुझे पता है कि मुझे किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं करेगी। अरे भरोसा है मेरा वो भरोसा। बेटा तुम अपना पैशन पूरा करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच बाबा। निम्रा बेटा भूख हड़ताल खत्म करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। होता ये है कि जब फैमिलीज में डिस्कशंस नहीं होते और गैप्स रहते हैं तो उसके नतीजे में इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि हर शख्स अपनी अपनी चलाता है और नतीजतन फिर आपस में लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, गैप्स पैदा होते हैं। तो जो काम एंड में किया फादर फिगर ने इस स्टोरी में, वही काम अगर शुरू से किया जाए तो इस तरह की नौबत ही नहीं आए। यानी लोगों को चाहिए अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करें, जहाँ पे कन्विंस करने की ज़रूरत है कन्विंस करें, जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है लोगों की काउंसलिंग की जाए। इसी तरह से यंग जनरेशन को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बोल्डली और ब्लंटली आउट ऑफ द वे ना जाएं, बल्कि अपनी फैमिली की वैल्यूज़ का ख्याल रखें।